अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम कैरियर काउंसलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे और इस बच्चे के बारे में कैरियर काउंसलिंग करेंगे, राइट। कैरियर काउंसलिंग मेरे ख्याल से काफ़ी मुश्किल टॉपिक होता है, और ये इतना मुश्किल टॉपिक है कि किसी बंदे के बारे में डिसाइड करना कि उसने फ्यूचर में उसे किस तरफ जाना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए, ये बेनता मुश्किल होता है। तो हम जो अभी वीडियो बना रहे हैं वो इस बच्चे के कॉन्सर्न से बना रहे हैं। बेटा आपका नाम क्या है? हुसैन मड़ाइच। हुसैन, क्या तालीम है बेटा आपकी? मैं ग्रेजुएट होने वाला हूँ एक महीने तक। क्या कर रहे हैं? मैं स्पोर्ट्स साइंसेज एंड फिजिकल एजुकेशन। तो करना क्या चाहते हैं? अभी तो कुछ सोचा नहीं, लेकिन आईएसएस भी अप्लाई करना चाहता हूं। अभी 22 एज है मेरी। एज 22 है अभी। और मैट्रिक में क्या किया आपने? मैट्रिक में मैंने साइंसेज में जो होता है मैट्रिक किया, और आईसीएस कंप्यूटर में। और इंटर में? आईसीएस किया मैंने। और अभी बीए आप सिंपल कर रहे हैं क्या? नहीं, ग्रेजुएट पूरा बीएससी स्पोर्ट्स। जी जी, 4 इयर्स यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से। और फादर कब, कितने साल आपको और सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली? वो तो जब तक मर्जी। जी जी, वो कहते हैं करो, कोई बटन नहीं है, कोई जॉब करने की जरूरत नहीं। और कोई मंगनी वगैरह भैया? नहीं। आप कह रहे हो कि करियर काउंसलिंग का मंगनी से क्या ताल्लुक है? ना नहीं नहीं, कुछ ताल्लुक है भाई। कुछ फ्री हैंड दिया हुआ। फ्री हैंड दिया हुआ, ठीक है, बैठ जाओ। अच्छा बेटा, इसके पॉइंट से मैं दो तीन बातें बता दूँ। मैंने मंगनी के बारे में इससे पूछा कि जिनकी मंगनी हुई होती है उनकी शादी भी जल्दी होनी होती है, तो उनकी कैरियर काउंसलिंग एक डिफरेंट है। उन्हें शॉर्ट टाइम में उन्होंने जॉब तक पहुंचना होता है उन्हें, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, इसने क्या स्पोर्ट्स एंड में इसने बैचलर कर रहा है, वो कंप्लीट होने वाला है। इसमें 5 किस्म की जॉब्स आती हैं ताकि आपको जिम्मे रहे। पहला, जितने भी हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, यहाँ पर लेक्चरशिप्स की जॉब्स आती हैं, और आपकी बहुत खूबसूरत जॉब होती है कि 17 स्केल है आपका। आपको इस बात की टेंशन ही नहीं कि क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश में पास हैं फेल हैं। आपने उन्हें जाना है, किसी एक पीरियड में बच्चों को उठा लेना है, ग्राउंड में लेके जाना है, स्पोर्ट्स करवानी है, करवाने क्या, खुद ही खेलते रहेंगे, बैठ जाना है और घर आ जाना है। तो बेहतरीन जॉब है अगर आप लेक्चरशिप की तरफ जाते हो स्पोर्ट्स में, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, स्पोर्ट्स वाली जो फील्ड है इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के अंदर सीट्स आती हैं, लेकिन वो सारी मेट्रिक लेवल पर हैं, ग्रेजुएशन लेवल पर नहीं है। अगर आप जाओगे तो आप एयरमैन जा सकते हो, सैलरी पैकेज उसकी कम होगी, लेकिन उसके लिए आप फिर स्पोर्ट्स में उनकी तरह से खेलोगे सब चीज़ें, लेकिन मेरे ख्याल से मेरी एडवाइस है आपके लिए कि आप उस तरफ ना जाओ। तीसरा पॉइंट, आपने इस बात को ध्यान में रखना है कि आप अगर इसमें मास्टर करते हो, ठीक है, तो फॉरेन कंट्री की तरफ अगर निकल लो ना, दुबई की तरफ या उस तरफ, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं। बाकी पाकिस्तान में बैंकिंग में भी आपकी कोई फील्ड नहीं है, आपके इंडस्ट्री लेवल पर भी कोई फील्ड नहीं है, सिर्फ आप जिस डिग्री में कर रहे हैं, पता नहीं किसने आपको इस डिग्री के बारे में गेस किया और सब चीज़ें गाइड की। इस डिग्री की तरफ वैसे आपको आना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर आप आ ही गए हो ना, तो आपके लिए सिर्फ लेक्चरशिप्स और उसके अलावा यहाँ पर कोई और कैरियर मिलो नहीं नज़र आ रहा पाकिस्तान में, क्योंकि ना तो किसी इंडस्ट्री की तरफ जा सकते हो आप, ना किसी डिपार्टमेंट की तरफ जा सकते हो, ना आप उन चीज़ बाकी चीज़ों में एलिजिबल हो। तो अगर आप आगे जाके डिग्री चेंज कर लो, थोड़ी सी कर सकते हो, इजाजत है, या स्पोर्ट्स में रहना है, मना तो नहीं है ना? देखो, अगर आप मेरे से सेपरेटली मिलना, फिर मैं बताता हूँ आपके, दो तीन और सवाल पूछूंगा उसके अलावा। लेकिन अभी मैं आपको ये कहूँगा कि अभी ये अगस्त से पहले पहले पीपीएससी के थ्रू ना जॉब्स आने वाली हैं, तो आप स्पोर्ट्स में लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करना शुरू कर देना, ताकि आप वहाँ कहने के एडजस्ट हो जाओ। गवर्नमेंट जॉब तो मिले ना आपको पहले, उसके बाद बाकी जगह करते रहना। देखते रहें चैनल सरवकार भाई। अल्लाह हाफिज़।